राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अंगद उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने ज्ञान विचार चैनल पे। दोस्तों, माताओं बहनों से मेरा विशेष अनुरोध है, आपको प्रणाम नमस्कार। आज का विषय है हमारा सिंदूर। सिंदूर क्यों लगाना चाहिए, इसका लगाने का तात्पर्य क्या है और कैसे लगाना चाहिए, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे कि हमारे माताओं बहनों के दैनिक जीवन में सिंदूर का कितना बड़ा महत्व है और उसका लगाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कि सिंदूर क्या है। इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दो कारण है। इन दोनों कारणों से सिंदूर सर्व सुख संपन्नता कारक है। वैज्ञानिक कारण यह है कि इसमें पारे की मिश्रण होता है, जो पहले पहले जमाने के जो सिंदूर हुआ करते थे। अब तो क्या है कि एक बहुत से मिलावटें चीज़ें आ गई हैं, बहुत से जो है हो गई हैं, वो शुद्धता नहीं रह गई है। लेकिन पहले के ज़माने में जो सिंदूर आते थे, जो अखरा बकरा जो सिंदूर कहते हैं, जिसमें शादी विवाह में प्रयोग होता है, उसमें पारे की मात्रा होती है। तो माताओं की जो ये नाड़ियाँ होती है, ये मांग होती हैं, उसमें एक ब्रह्मानंद नाम की एक नाड़ी होती है, जिस नाड़ी के ऊपर सिंदूर लगाने से उनकी ऊर्जा का संचयन होता है। आध्यात्मिक रूप से देवताओं को ये सिंदूर अतिशय प्रिय है, इसलिए हमारा शास्त्र भी कहता है, हमारा वेद भी कहता है, पुराण भी कहता है कि सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुख वर्धनम। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुख वर्धनम, ये सुख वर्धन है, सुख का कारक है। और जब माताएं बहनें जो इस सिंदूर को लगाती है तो उनके पति की उम्र बढ़ती है। ये भी मान्यता है कि अपने पति की उम्र को बढ़ाने के लिए, लंबी उम्र के लिए माताएं इस सिंदूर का प्रयोग करती हैं। सिंदूर प्रयोग करने की विधि, माताओं को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि सिंदूर का प्रयोग कैसे करें। हमेशा सिंदूर लगाते समय एकाग्र भाव से, आराम से, इत्मीनान से बैठ जाए। बैठने के बाद अपनी इस उंगली अनामिका, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, अनामिका ये अंगुली सूर्य का प्रतीक होता है, और इस अंगुली का हमारा संबंध सीधे हृदय से होता है, और जो प्रेम होता है, प्रेम का प्रतीक हृदय से होता है, तो इस अंगुली का प्रयोग करें। और जो सलाका सलाका है, जिससे हम वो माताएं जो है लगाती हैं, अगर सलाका नहीं है तो अपने इस अंगुली से लगा सकती हैं, इस अंगुली का प्रयोग कर सकती हैं, और सिंदूर उठाकर एक मंत्र का अगर जाप कर लें तो सोने पे सुहागा, अतिशय उत्तम। वो मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का 3 बार जाप कर लें, 1, 2 और 3। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दूसरी बात ये कि आप जिस डिब्बी का प्रयोग कर रही हैं, जो माताएं जिस डिब्बी का प्रयोग कर रही हैं, वो डिब्बी साफ सुथरी, टूटी फूटी ना हो, खंडित ना हो, और हो सके तो अच्छी धातु को, सोने की हो, चांदी की हो, या अच्छे, या आपका ये काठ की भी होती है, लकड़ी की भी हो, लेकिन सुंदर और सुसज्जित हो, सलाका हो, चांदी की हो या सोने की हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंदूर लगाते समय हमेशा सर पे दुपट्टा या पल्लू से ढका होना चाहिए। दुपट्टा लगानी या पल्लू से ढक करके तब सिंदूर अपने माथे पर, अपने मांग में लगाए, क्योंकि सिंदूर सुखवर्धन और सुख का कारक होता है, पति की उम्र को लंबी करता है। एक बार की बात है कि माता सीता सिंदूर लगा रही थी, उसी समय हनुमान जी पहुंच गए
उन्होंने देखा कि माता क्या ये लाल लाल वस्तु अपने मांग में लगा रही है। सहसा उन्होंने पूछा कि माता ये क्या है, ये अपने मांग में क्यों लगाती हैं। सीता जी हंसकर बोली कि इससे पति की उम्र लंबी होती है, तुम्हारे प्रभु की लंबी उम्र के लिए ये मांग में मैं सिंदूर लगाती हूँ। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा कि सिंदूर लगाने से हमारे प्रभु की उम्र लंबी होगी। उन्होंने फटाफट गए और पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया, पूरे शरीर में सिंदूर लगा करके और राम दरबार में पहुंच गए। राम दरबार में जब पहुंचे तो सभी लोगों ने देखा, कुछ किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा, हंसी का पात्र भी बनाया। लेकिन भगवान जो है भक्त की हृदय की वेदना को पहचान जाते हैं। भगवान पूछे कि ये हनुमान तुमने क्या किया है, ताकि प्रभु प्रसन्न हो, प्रभु प्रसन्न हो। कहा क्या बात है कि प्रभु प्रसन्न हो। भगवान ने उनकी भावनाओं को देखते हुए उनको गले लगा लिया, बोले कि हनुमान तुम भी एक बच्चे जैसी हरकत करते हो। हनुमान जी बोले कि प्रभु मैं आपका बच्चा ही तो हूं, आप ये बताइए आप प्रसन्न हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि जब माता इतनी सिंदूर लगाती है तो आप उन पर प्रसन्न होते हैं, आपकी इतनी लंबी उम्र हो जाती है, इसलिए मैं तो पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है माताओं बहनों से कि सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व होता है। सिंदूर जो है सुखवर्धन सुखदायक होता है और उनके पति की उम्र को बढ़ाने के लिए उन कारगर होता है। और ये भावना है, ये एक भावनात्मक शक्ति है कि जहाँ भाव है वही भजन है और वह जहाँ भाव है वही भगवान है। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। विश्वास अगर आपके अंदर अटल है तो हर चीज़ की प्राप्ति, सुख समृद्धि की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति सहज और सरल रूप से हो जाती है। तो इन बातों को माताओं बहनों को विशेष रूप से ध्यान देकर के जो हमने बताई है कि सिंदूर लगाने के तरीके कैसे लगाने चाहिए, क्यों लगाने चाहिए और किस मंत्र का जाप करनी चाहिए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर लगाएं तो उनका जीवन अतिशय सुखमय और प्रसन्नतामय उनका जीवन व्यतीत होगा। मैं यही चाहूँगा कि सभी माताएं बिल्कुल प्रसन्न रहें, सभी बहनें प्रसन्न रहें, उनके जीवन में कभी दुख का नामो निशान न हो, प्रसन्न रहें, हमेशा उन्नति रहें, उन्नति करती रहें। इसके साथ ही आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सिंदूर लगाते समय इन विशेष बातों का जरूर ध्यान रखें। आगे और भी आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से और भी जानकारियाँ आपको देते रहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री